जरा मैं घर में बैठा था तो मेरी बीवी कहीं गई थी, तो वहाँ से वो आई। जैसे मैं घर में बैठा था, यहाँ पे मेरा पेंट चल रहा था अंदर, एक पेंट वाला कर रहा था पेंट अंदर, तो मैं बाहर आया तो मैंने इसको देखा, ये भागे भागे आ रही थी। तो मैंने वो क्या बात है, इसने बोला कि कोई बंदा वहाँ, दो बंदे थे, छोटे से बच्चे थे, उतने बड़े नहीं थे मगर बालिंग थे बच्चे दोनों, तो उनने मेरा कड़ा चुराने की कोशिश की, उनने मुझे छीनने की कोशिश की, दोनों बाजू पकड़े। तो इसने कुछ, ये थोड़ी सी हिम्मत वाली है, तो इसने खुद हिम्मत करके उनसे जान छुड़ाई और फिर ये गिर गई। तो जब ये वहाँ से अंदर आई तो मैंने देखा, वहाँ से आई यहाँ पर गिर गई है, तो मैंने देखा इसका बाजू भी कटा हुआ था, लेफ्ट वाला भी थोड़ा सा है, और टांग भी कटी हुई है, और दो तीन जगह इसके ज़ख्म भी है, गिरी थी वहाँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कि कोई चीज़ उन्हें चुराई नहीं, मगर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये रोज़ बरोज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करता हूँ, एडमिशन से भी दरख्वास्त करता हूँ, इस पर कोई जाँच लगनी चाहिए, और मोहल्ले में भी कोई ना कोई बाहर का बंदा, किराएदार, यहाँ बहुत सारे, किस पे हम शक करेंगे, किस पे बोलेंगे ये चोर है, ये वो है, ये है, किसी पे हम शक भी नहीं कर सकते और किसी पे एतबार भी नहीं कर सकते। यहाँ सारी माँ बहनें रोज़ निकलती हैं, पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या नहीं, कहाँ से आए, कौन था, ये अल्लाह ताला बेहतर जाने।